और उत्तराखंड से आपको बताते हैं, जहां पर यूसीसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल नए साल में यूसीसी नाफिज होने को लेकर हिकमत अमली बनाई जा रही है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार भी हो चुका है, यानी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है, कभी भी सीएम को ड्राफ्ट सौंपा जा सकता है। असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाकर यूसीसी को नाफिज भी किया जा सकता है। धामी सरकार स्पेशल सेशन बुला सकती है। तो 27 जनवरी को हो सकता है स्पेशल सेशन, लोकसभा चुनाव से पहले नाफिज होगा यूसीसी। तो उत्तराखंड ऐसा ना हो कि पहली रियासत बन जाए जहां पर यूसीसी नाफिज किया जाए। तो अभी मरकजी हुकूमत के साथ साथ उत्तराखंड हुकूमत यूसीसी को लेकर बड़े पैमाने पर काम कर रही है। कमेटी बनाई गई थी जो कि तमाम सिफारिशों के बाद उसने ड्राफ्ट तैयार किया है, और कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट तैयार है और कभी भी ड्राफ्ट को सीएम के सामने पेश किया जा सकता है। और इसके अलावा असेंबली के स्पेशल सेशन बुलाकर यूसीसी को उत्तराखंड में नाफिज भी किया जा सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड काफी सरगर्म नजर आ रहा है। धामी सरकार पहली सरकार बनने की कोशिश कर रही है जो यूसीसी को लेकर, इसके निफाज को लेकर सबसे पहला कदम उठाती हुई नजर आएगी। तो धामी सरकार स्पेशल सेशन बुलाकर यूसीसी को नाफिज कर सकती है। मजीद जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे रामानुज, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रामानुज, यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या ये पूरी तरह से तैयार है और कब तक कहा जा रहा है कि सीएम को इसे सौंपा जा सकता है?